अंजाम अल्लाह ताला से मगर बह कर आर्ज ये जमात हमेशा जमहूरियत का यकीन रखती थी और जमात ने रोज अव्वल से ही अपने जो इसके कार्डर होता है ग्रास रूट लेवल से लेकर अमीर जमात तक वहाँ जो इंतखाबात होते हैं वो जमहूरी तौर होते हैं, वो किसी एक शख्स की राय पे नहीं होते। जमात इससे बड़ा और क्या सबूत हो सकता है कि जमात सबसे ज्यादा जमहूरियत पे यकीन रखती है, क्योंकि जमहूरियत की धज्जियां उड़ा दी गई थी 1987 के इलेक्शन में, उसी वजह से बेइत्मीनी बढ़ी थी और उसी वजह से यहाँ पे कब्रिस्तान कायम हुए, उसी वजह से हमारी पंडित बरादरी हमसे दूर हो गई, उसी वजह से वो भी मुसीबतों के शिकार हुए हैं। लिहाजा अब वो माहौल कायम हो गया है, पिछले पार्लियामेंट इलेक्शन ने साबित कर दिया है कि फ्री और फेयर इलेक्शन हो रहे हैं और इस चीज ने हमारे हौसले बढ़ा दिए हैं और हम जमहूरियत में आ गए। बहुत सारी चीजें हैं यहाँ पे, एक एक करके मैं आपके साथ शेयर तो नहीं कर सकता, अलबत्ता मैं उसकी कापियां यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट करने जा रहा हूँ, आप भी देख लीजिए और मेरी आपसे गुजारिश है कि उस चीज को आप लोगों तक जो भी बेगुनाह जेलों में होंगे हम उनको लीगल एड प्रोवाइड करेंगे, हम उनके लिए आवाज रखेंगे। नहीं मुझे तो नहीं लग रहा है, मुझे नहीं लग रहा है कि आज मुझे कोई अपने मुकाबल नहीं दिख रहा है। लोग पैसे बांट रहे हैं, लोग पैसे बांट रहे हैं, लोगों से भी ये अपील है की आप पैसे ले लीजिए क्योंकि आपका ही फोन है, आपका ही लेकिन वो जमीर के मुताबिक है। वहाँ पर जाना वो भी एक हुकुम के एतबार से ही वो था कि हाँ अलबत्ता वहाँ जाके अल्ताफ साहब का बहुत शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने जमात के बारे में मुझे हर एक बात करने का मौका दिया। जिस दिन मैंने ज्वाइन किया उस दिन भी मैंने जमात का ही जिक्र किया, तो समझ लेना चाहिए कि अगर मैं जमात की बात करता हूँ कोई दूसरी तंजीम ज्वाइन करके फिर जमात की बात करता हूँ तो जमात के एतबार से ही ऐसा हुआ होगा। आज वहां से इजाजत मांग के मैंने कहा कि अब मैंने उस दिन भी कहा था कि मैं सियासत जो है वो जमात इस्लामी के प्लेटफार्म से ही करना चाहता था, आज वो अगर इंडिपेंडेंट की शक्ल में क्योंकि जमात बहन है अगर वो इस शक्ल में भी मिल रहा है तो मैं कैसे अपने दर से, मैं कहाँ जा सकता हूँ अपने दर के बगैर, मैं कहाँ जा सकता हूँ। ऐसे थे मुसलमान हमें इस चीज पे ईमान होना चाहिए कि अल्लाह मालिकुल मुल्क तो थी अल मुल्क का मंतशा, इक्तदार का मालिक अल्लाह है और जिसे चाहता है इक्तदार देता है। मैंने कहा मैंने अपने मैनिफेस्टो में वही चीजें कही हैं, मैं बात जब करता हूँ तो पहले इनको याद दहानी भी करता हूँ, याजीना अमन लिमत माला तफल, तो हर एक चीज का जो जिसका भी वादा करूंगा वो पूरा करेंगे इंशाल्लाह।